तो दोस्तों ओप्पो ने ए सीरीज़ के नए हैंडसेट ओप्पो A35 को जो है चीन में लॉन्च कर दिया है गया है। ओप्पो A35 के जो बैक पैनल में है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया और इसमें जो है मीडियाटेक हेलियो P35 प्रोसेसर और 4230 mAh की बैटरी दी गई है। तो चलिए दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमरे के बारे में। तो इसमें A35 में जो है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि 13 MP का प्राइमरी लेंस है और 2 MP का माइक्रो लेंस दिया गया और साथ में इसमें 2 MP का डेप्थ सेंसर भी दिया गया। इसके अलावा इसमें जो फ्रंट 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया हुआ है और यह फ़ोन जो है एंड्रॉयड 11 बेस्ट कलर OS 7.2 पर काम करता है और इसमें जो है 6.52 इंच का IPS LED डिस्प्ले दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन जो है वह 720 और 1600 पिक्सल और इस फ़ोन के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ MediaTek Helio P35 प्रोसेसर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो इसमें जो बैटरी दी गई वो 4230 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में इसमें 10 W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दी गया और इसमें जो है आपको 5G VoLTE और Wi-Fi ब्लूटूथ 5.0 GPS और 3.5 हेडफोन जैक दिया गया है। अब बात करते हैं इसके जो 4G, वैसे तो अब 4G का तो कोई वो नहीं रहेगा क्योंकि अब तो सब फ़ोन 5G आ रहे हैं और शायद 5G लोग खरीदेंगे तो हो सकता है लोग इसे खरीदें और ना भी खरीदें, यह मैं नहीं बोल सकता। पर अब जैसा मतलब फ़ोन आना चाहिए था 5G आना चाहिए था पर नहीं आया, 4G आया। अब वो तो कंपनी लॉन्च करने के बाद ही पता चलेगा एक 5G है कि 4G है।